हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। गर्मियों का समय आ गया है और ठंडा ठंडा किसे नहीं पसंद है गर्मियों में। इस वीडियो में 6 अलग अलग फ्रूट्स के जूस हम बनाएंगे और बेस्ट बात ये है कि इस जूस में हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि शक्कर डाल देने से क्या होता है कि हम उसे अनहेल्दी बना देते हैं। अगर आप डाइट पे हैं तो शुगर के बदले आप क्या डाल सकते हैं इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए 6 अलग अलग फ्रूट्स के जूस बनाना हम सीखते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जूस। 6 तरीके के जूस मैंने यहाँ पे बनाए हैं जो कि गर्मियों के मौसम में आपको बहुत ही राहत देने वाली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अनार का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे ग्राइंडर। तो ये मेरे पास जूसर है। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप अनार, साथ ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ काला नमक। तो मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ। अनार अपने आप में ही काफी मीठा होता है, इसलिए मैं शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जूस बन गया है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो भी बीज था ये स्ट्रेनर की हेल्प से जो है बीज इसी में रह गया है और जो जूस है वो बाहर आ गया है। अगर इस तरीके का ग्राइंडर आपके पास ना हो तो आप इसे छान सकते हैं या फिर बिना छाने भी सर्व कर सकते हैं। अब इसे हम एक ग्लास में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 से 3 आइस क्यूब्स इसे ठंडा करने के लिए। अनार का जूस बन करके तैयार है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अंगूर का जूस। तो इन दोनों में से कोई एक ग्रेप्स का जूस भी आप बना सकते हैं या दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अंगूर ज्यादा खट्टे हो तो आप इसमें हनी या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डाइट पे हैं तो, या फिर आप नॉर्मल शक्कर भी डाल सकते हैं। और ग्राइंड कर लेते हैं। काले अंगूर की जूस बन करके तैयार है, इसे सर्व करते हैं। इसमें डालेंगे हम बर्फ और बस हमारा अंगूर का जूस बन करके तैयार है। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन कट करके रख लिया है, अब इसे डाल देंगे। बीज आपको निकाल देना है और उसके बाद ही वाटरमेलन को, तरबूज को कट करना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ना हो तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वाटरमेलन जूस, तरबूज का जूस बन करके तैयार है। डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स। तरबूज का जूस बन करके तैयार है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे हरे अंगूर का जूस। तो इसे मैं डाल लेती हूँ जूसर में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हनी। आप डाइट में जूस बनाकर पी रहे हैं तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो फिर रेगुलर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें हनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। बस अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। हमारा अंगूर का जूस बन करके तैयार है, इसे सर्व कर लेते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स। यहाँ पे हमारा अंगूर का जूस बन करके तैयार है। अब यहाँ पे आखिरी में मैं बना रही हूँ संतरे का जूस। संतरे को छील के इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लीजिए और जो भी बीज होते हैं यहाँ बीच में ही होते हैं इसे आप निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप बीज के साथ इसे पीसेंगे तो ये कड़वा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं 4 संतरे ऐड कर दे रही हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। बस अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। संतरे के जूस को अब हम ग्लास में सर्व कर लेंगे। इसमें डाल देंगे 3 से 4 आइस क्यूब्स और यहाँ पे हमारे संतरे का जूस बन करके तैयार है। यहाँ पे बनाएंगे गुआवा मतलब अमरूद का जूस। ये मैंने ले लिया है 1 बड़ी साइज का अमरूद और अमरूद को हम डाल देंगे ग्राइंडर में।
इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि अमरूद में बाकी फ्रूट्स के कंपेयर थोड़ा सा कम जूस होता है, ग्राइंड करने में हमें दिक्कत ना आए इसलिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, और मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच हनी डाल रही हूँ। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया है एक टोप और एक स्ट्रेनर, दूध का जो हमने अभी तैयार किया है जूस, इसे इसमें डाल के छान लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अमरूद के बीज से, जो उसमें बीज होते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा पानी डाल के एज इट इज पी सकते हैं, पर बच्चों को दिया जाए तो उनके मुंह में कुछ आए तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम इसे छान ले रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें जो बीज है इस तरीके से, इसके लिए इसे हमें छानना पड़ रहा है। अगर आपको बीज से कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। ये हमारा अमरूद का जूस बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और अब इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।